देखो इसमें अभी कोई चुंबक उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसमें अगर इसको चिपकाएंगे ऐसे तो चिपक नहीं रहा ना कुछ, नहीं किसी प्रकार का इसमें भी चुंबक कुछ है नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि धारा प्रवाहित हुआ नहीं है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब क्या आएगा? चुंबकत्व, इसके अंदर चुंबक उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे चुंबक उत्पन्न होगा तैसे चिपकना शुरू कर देगा ये, और इसी चुंबकत्व की वजह से ये घूमता है। जैसे इसके अंदर लगा रहता कोई चीज़ वो आर्मेचर जो टाइप का लगा रहता है उसमें पंखे में, वो घूमता रहता है। इसमें चेक करेंगे कि चुंबक आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो पहले अभी तो चुंबक नहीं आ रहा क्योंकि हमने धारा प्रवाहित नहीं किया। अब यहाँ से इसको करंट देंगे हम, जब इसको धारा दिया जाएगा तो इसमें चुंबक उत्पन्न होगा। ये हमने धारा दे दी, आवाज़ भी करना शुरू कर दिया। देखो इसमें यह चुंबक उत्पन्न हुआ, यह चिपक रहा है, ये चुंबक उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें जो घूमने की प्रक्रिया वो देखो कैसे होता है। इसको लगा रहे हैं ब्लेड को, ब्लेड लगा यही घूमेगा, इसको लगाएंगे अंदर से इसे, देखो घूमना शुरू कर दिया ये, घूम रहा है ना ये। अब किधर से किधर घूम रहा है ये? बाई ओर। सीधा कर दें एक बार, ये जो वायर है ये वाला, इस वायर को उठा करके लगा देंगे हम दूसरे वाले पर, इस वायर को लगा देंगे यहाँ पर। अब इसका धारा की दिशा पलट गया, अभी तक उल्टा घूम रहा था, अभी सीधा घूमेगा दाई तरफ, टच ना हो जाए कहीं ये, नहीं दिशा दिशा रह जाए। अब इसको लगाएंगे, अब देखो किस तरफ घूमेगा ये, अब ये घूमेगा दाई ओर, देखो ध्यान से, ये देखिए अभी दाई ओर चल रहा है, दाहिने ओर घूम रहा है ये। यानी धारा की दिशा अगर हम पलट देंगे तो जो बल की दिशा है वो भी बदल जाएगा, लेकिन जो नॉर्थ से साउथ वाला वही रहेगा। तो इसमें कई छोटे छोटे कट पॉइंट बने हुए हैं, कई खाने बने हुए हैं, देखो ध्यान से, हीट बहुत हीट हो रहा है वो तेज, ये इसके अंदर कई छोटे छोटे खाने बने हुए, ये बहुत तेज हीट हो रहा है, ये कई खाने बने छोटे छोटे। तो इसमें एक तरफ वाला अगर नॉर्थ बन रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट साउथ बनेगा, अगर ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ, ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ। अब अगर एक कंडेंसर जुड़ा था तो थोड़ा स्लो चल रहा था, अब इसमें लगाएंगे डबल कंडेंसर, अब देखते हैं क्या होता है। और ये 4 माइक्रोफेरेड का है, ये बहुत ज़्यादा पावर है, अगर एक और लगा देंगे तब देखो कितना स्पीड देता है, हो सकता है जल भी जाए। चलो ट्राई कर रहे हैं एक बार, जल जाएगा तो जल जाएगा। इसमें लगा रहे हैं डबल कंडेंसर हम, देखो लगा दिए डबल कंडेंसर, अब देखो इसका स्पीड, ब्लेड का स्पीड। इसमें लगाएंगे पहले, इसको ऑन करेंगे बटन को, देखो स्पीड इसकी, स्पीड बढ़ गया ना एकदम आधा, और बाहर रखें हल्का सा बाहर रखें, देखो बहुत तेज़ चल रहा है ये, बहुत तेज़ हीट हो रहा है। हमारे पास एक छोटा वाला है लेकिन ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, हाँ इससे ज़्यादा पावरफुल है ये, अब देखो इससे क्या होता है। अब इसको पावर सप्लाई देंगे, इसमें देखते हैं ब्लेड कितना तेज़ घूमता है, सिर्फ एक ही कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, इस पर देखेंगे कितना तेज़ चल रहा है ये, देखो घूम ही नहीं पाएगा, इसमें जगह कम बढ़ जा रहा है ना, ये नहीं घूम पा रहा है ये। अगर एक ब्लेड को ऐसे लगा देते इस तरफ से तो ये घूम जाता शायद, चिपकता बहुत तेज़ है ये, देखो बहुत तेज़ चिपक रहा है ये, जगह कम पड़ जा रहा है इसके अंदर, ये जानते हो गैपिंग कम पड़ जा रहा है इसके अंदर। देखो बिना कंडेंसर के ये चुंबक बना पाता कि नहीं बना पाता है, घूमने तो बात नहीं, पता नहीं घूमे कि ना घूमे, घूमते घूमेगा तो नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन चुंबक देख लिया जाए बन रहा कि नहीं बना बिना कंडेंसर के। आवाज़ तो कर रहा है, ये बन रहा चुंबक, लेकिन घूमेगा नहीं ये। अभी तक एक ब्लेड था, अब इसमें डबल ब्लेड लगा लिए कि ताकि सभी तरफ से जो उसका नार साउथ वाला खिंचाव है वो बन सके आराम से। अब हो सकता है कि ये घूम जाए, चेक करें इसको, देखो देखो हल्का हल्का घूम रहा है ये, जगह कम पड़ जा रहा है कुल मिलाकर, ये जैसे घूमने कोशिश करता वैसे जाकर चिपक लेता बगल में ही, क्योंकि डबल कंडेंसर स्पीड बढ़ जाएगा ना इसका, तो हो सकता है घुमा दे ये, चेक करें देखो। अब डबल कंडेंसर लगाए देखो घूमता है कि नहीं घूम पाता ये, चिपक जाता है, घूमने कोशिश करता है लेकिन जगह कम पड़ जाता है इसलिए नहीं घूम पाता ये। ये हमारे पास ख़राब कॉइल है, ये एकदम पूरी तरह से जला हुआ है, लेकिन इसमें कोई ना कोई खंड सही होगा, इसे हो सकता है कि ये खंड इसका सही हो, तो सिर्फ एक खंड को चेक करके देखेंगे कि इसमें चुंबक उत्पन्न होता कि नहीं होता, हो पाता है, जैसे कोई ना कोई खंड तो इसका सही होगा, तो पहले इसको चेक कर लें हम, इसे पहले इसको चेक कर लें कि कौन सा सही है खंड। इस पर लगाएंगे प्लस वाले को,
इस पे लगाएंगे, कोई कुछ नहीं बता रहा, कोई सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई आ रहा है इस पर, एक पे लगाने पर सप्लाई आ रहा है कुछ, मतलब कि ये कॉइल इसका सही है। तो इस पर हम दोनों वायर जोड़ेंगे लाइट वाला, और ये पेचकस लगा के देखेंगे कि कहीं चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है। ये देखो तू बहुत तेज़ दे रहा है, तो चुम्बक और ज़्यादा देखो ख़राब होने के बावजूद ये हाल है, ये कॉइल सही नहीं है, ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद ये हाल है, चुम्बक दे रहा है, क्योंकि इसका ये कनेक्शन सही है ना, तो जो कनेक्शन सही होगा उसमें चुम्बक आएगा। ऐसे पंखा क्यों नहीं घूमता, ऐसे पंखा कभी कभी देखते होंगे जब ऑन करते हो तो जाकर घूम, मतलब आवाज़ करता है लेकिन घूमता नहीं है। इसका कारण क्या है कि कोई एक कॉइल सही रहता है, और जो कॉइल सही रहा था उस पर ले जाकर चिपका लेता है, और जब चिपका लेगा तो पंखा आवाज़ करेगा लेकिन घूम नहीं पाएगा। अगर उसका दूसरा भी कॉइल सही हो तो घूम जाएगा पंखा, अगर दोनों तरफ का कॉइल सही होगा तभी घूमेगा, नहीं तो अगर एक का सही है तो नहीं घूम पाएगा। अब ये ख़राब कॉइल है ये, तो ख़राब कॉइल में से हम कुछ वायर निकालेंगे, और इस वायर की सहायता से बनाएंगे धारावाही कुंडली, धारावाही परिणालिका, और उसमें धारा दे करके देखेंगे कि कोई चीज़ चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है। तो इसमें से वायर निकाला कैसे जाए, निकल जाएगा, इसको काट के निकालने ही, देखो ये हमारी कुंडली तैयार हो गई है, ये धारावाही प्रणालिका, ये इसमें कई फेरे लपेटे हुए हैं, इसको हम पावर देंगे दोनों पावर, दोनों वायरों को, और ये 12 वोल्ट का पावर है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर लाइट से देंगे तो हो सकता है जल भी जाए, तो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, और इस पर एक लोहा ला करके देखेंगे कि ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, आकर्षित कर रहा है कि नहीं आकर्षित कर रहा है, तो चेक करके देखते हैं इसको। एक वायर को इस पर जोड़ेंगे, और एक वाले को जोड़ा जाएगा इस वाले पर, देखो चिंगारी ले रहा है ये, तो पहले कोई पास में ला करके देखेंगे चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, ये चिपक नहीं पा रहा है, ये हमें लग रहा है इसका, इसको लाइट का पावर ही देना पड़ेगा, लाइट का पावर दे रहे चाहे जल ही जाए, अब इसको लाइट का पावर देने जा रहे हैं अब, क्योंकि बैटरी के पावर से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये देखो चिपक गया ना, ब्लेड खींच रहा था ना अभी, मतलब कि चुंबक इसमें उत्पन्न हो रहा है। देखो फिर से एक बार देखो ध्यान से, इसको हमें सीधा कर दे रहे हैं इसको, देखो चिपक लिया पत्ती, मतलब कि चुंबक उत्पन्न हो रहा है ना इसके अंदर, जो प्रेरण द्वारा धारा उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, जैसे ये तो हो गया धारावाही प्रणालिका वाला, कि अगर इसमें हम धारा देंगे तो उसके अंदर चुंबक उत्पन्न होगा, और इसकी सहायता से हम अलग से अगर धारा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, जैसे वो ट्रांसफार्मर जैसे काम करता है कि ट्रांसफार्मर में हम पावर देते हैं, और उसकी वजह से दूसरी कुंडली में हो करके तो ये 12 वोल्ट बना करके पावर देता है ट्रांसफार्मर, तो वो हमको करना है। तो उसको करने के लिए इसके जस्ट बगल में ही, इसी के बगल में ही एक कुंडली और लपेटेंगे, अब उसका तार लगा देंगे इससे मल्टीमीटर से, और यहाँ धारा देने के बाद देखते हैं कि मल्टीमीटर में धारा आता कि नहीं आता है, अगर मल्टीमीटर में धारा आ गया तो समझो कि ये सक्सेस है सब। ये एक कुंडली है जिस पर हम धारा प्रवाहित करेंगे, ये हमारी दूसरी कुंडली है, ये पूरी तरह से अलग है, जब धारा इसमें जाएगा तो इसकी वजह से चुंबक उत्पन्न होगा, और चुंबकत्व के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगा, और इस धारा को देखेंगे मल्टीमीटर में हम। इसमें कुंडली जुड़ा हुआ है, ये धारा देंगे इसमें, और इसमें धारा आ जाएगा अभी, कोई प्रेरकत्व वाले सिद्धांत पर देखो ध्यान से, अभी नहीं आया धारा, छः पर आया था, छः आया था, तीन आया, मतलब हल्का फुल्का परिवर्तन होता है ना कुछ, देखो दो बताया, ये थोड़ा बहुत बताता है ना, हल्का फुल्का बढ़ जाता है, ये देखो पाँच बताया, ये सात हो गया, बोले देखो साठ हो गया ना, ज़्यादा देर तक ऑन कर दिए तो निकाल दो उसको, इसमें जो फेरों की संख्या था वो कम था, अब कम फेरों की संख्या होने की वजह से जल गया, अगर यही ज़्यादा फेरा होता तो जलता नहीं, तो आराम से पूरा पावर देता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ हीट होकर रह जाता ये वाला, इसमें फेरा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा फेरा होने की वजह से ये डायरेक्ट चार्ज नहीं होता है, इसमें प्रतिरोध की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाता है कि 220 वोल्ट या 250 वोल्ट सहने की क्षमता इसमें हो जाती है, अब ये प्रतिरोध इसमें ज़्यादा था नहीं, क्योंकि जब मल्टीमीटर से चेक किए थे तो ये कैसा बता रहा था, आवाज़ कर रहा था ना, ये बजर बज रहा था, ये इसका मतलब प्रतिरोध इसका कम था, और जब प्रतिरोध कम रहेगा धारा देंगे 220 वोल्ट तो क्या होगा, जल जाएगा, इसीलिए जल गया, ये ज़्यादा देर तक आन किए, अगर थोड़ा थोड़ा आन कर रहे थे तो नहीं जल रहा था ये,
तो मतलब तरीका तो समझ में आया ये, अगर ये एक कुंडली है तो जल हीट है, ये कुंडली है इसमें हम धारा देंगे, और उसके जस्ट बगल में अगर ये कुंडली और लपेटा हुआ ये वाला, जस्ट बगल में अगर ये कुंडली और लपेटेंगे तो इसमें धारा जाएगा, इसमें चुंबक उत्पन्न होगा, और ये चुंबक वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करेगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से पूरा धारा चलाएगा इसके अंदर, और ये धारा देगा बाहर हमको, और ये धारा कहाँ देखा जा सकता है, मल्टीमीटर में। और इसी के आधार पर काम करता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब होता है कि किसी एक कुंडली से किसी अन्य कुंडली में धारा का चला जाना, इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। इसी सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई, दूसरा होता है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है धारा को ज़्यादा करके देना, जैसे इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं उसको, और वो देता कितना है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट को हम लाइट से जोड़ते हैं और वो बैटरी भी चार्ज करता है, यानी वो अपचाई का भी काम करता है, धारा को कम करते हैं बैटरी भी चार्ज करता है ना वो, तो दो तरह का काम करता है। तो इसके सिद्धांत को इससे आराम से समझ सकते हैं कि किसी एक दो कुंडली पास पास में लपेटा है, एक कुंडली में धारा देंगे, इसकी वजह से दूसरी कुंडली में धारा आसानी से चला जाएगा। उसको हम मल्टीमीटर में या गैल्वेनोमीटर में आसानी से देख सकते हैं कि कितना धारा इसमें प्रवाहित हुआ है, और चुंबकत्व भी उत्पन्न हुआ है। अभी देखें ब्लेड चिपक जा रहा था, तो ये इसका सिद्धांत है।